पूरे विश्व को आरोग्य का वरदान भारत से मिला है, जिसका नाम है आयुर्वेद। ये चिकित्सा विज्ञान भारत में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ लोगों की सेहत की रक्षा और बीमार व्यक्ति को निरोग बनाना है। आयुर्वेद आयु और वेद शब्दों की संधि से बना है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद यानी ज्ञान, मतलब जीवन का विज्ञान, यही आयुर्वेद का सार है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ उपचार के तौर पर आहार का बड़ा महत्व है। इस प्राचीन ज्ञान के अनुसार खाने में पोषक तत्वों की कमी या परिवर्तन से बीमारियां हो सकती हैं। दुनिया में योग के बाद अब आयुर्वेद का भी चलन बढ़ रहा है। योग के साथ साथ आयुर्वेद उपचार के कई संस्थान संसार में लोकप्रिय हो रहे हैं। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। प्राचीन भारत के महान वैद्य चरक की चरक संहिता और प्रख्यात शल्य चिकित्सक सुश्रुत लिखित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का आधार है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा को विस्तार से समझाया गया है। इस महान वैद्य ने अनेक ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता ईसा पूर्व 1000 ईस्वी में ही हासिल कर ली थी। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर सहित ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी प्राणी पंच महाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हैं। शरीर का विकास एवं पोषण भोजन पर निर्भर है। भोजन भी इन पांच तत्वों से बना होता है। आंतरिक और बाहर के कारक पंच महाभूतों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर रोग को जन्म देते हैं। आयुर्वेद में उपचार समग्र रूप से किया जाता है। चिकित्सक रोगी की शारीरिक विशेषताओं और मानसिक स्वभाव को सावधानी से परखते हैं। उपचारों में कई परीक्षण भी शामिल हैं, जैसे कि सामान्य शारीरिक परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण, जीभ और आंखों का परीक्षण, स्पर्श व श्रवण सहित त्वचा और कान का परीक्षण। बीमार मनुष्य को सेहतमंद बनाना ही आयुर्वेद का लक्ष्य रहा है। मैं लगभग एक साल से बाएं हाथ में दर्द से परेशान था, जिसके लिए मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया था और यहाँ आयुर्वेद ट्रीटमेंट के द्वारा मुझे काफ़ी आराम है। 5 साल की उम्र में हुआ था इसको, 185 बीपी था, 1 महीना कोमा में गया था, अभी 70-80% फायदा है। आयुर्वेदी इलाज से फर्क पड़ रहा है। आयुर्वेद से दवाई करने से मुझे बहुत आराम मिल गया। आयुर्वेद कमाल का इलाज है। यहाँ रोगों का उपचार 8 विभागों के तहत किया जाता है। शल्य यानी सर्जरी, शालाक्य यानी नाक, कान और गला, काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, भूत विद्या यानी मानसिक विकार, कोमार भृत्य यानी बाल चिकित्सा, अगध तंत्र यानी विश्व विज्ञान, रसायन यानी रिज्यूविनेटर, वाजीकरण यानी सुप्रजा, पंचकर्म यानी 5 कर्म आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है। इन 5 प्रक्रियाओं का प्रयोग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने के लिए होता है। वमन, विरेचन, बस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य। देश भर में फैले आयुर्वेदिक अस्पतालों में अनेक जटिल रोगों का इलाज हो रहा है। जलों का अवचारण यानी लीच थेरेपी के द्वारा यहाँ गंदे खून से होने वाली बीमारियां भी दूर की जाती हैं। जयपुर, वाराणसी और जामनगर में मुख्य आयुर्वेदिक संस्थान हैं।
पूरे देश में आयुर्वेद के डॉक्टरों की संख्या लगभग 4.5 लाख है, जो तकरीबन 15,000 औषधालयों और 2,400 से भी अधिक अस्पतालों में रोगियों का सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद उपचार कर रहे हैं। आयुर्वेद में जिन साधनों से रोगों का उपचार किया जाता है उन्हें औषध कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अद्रव्य भूत और द्रव्य भूत। अद्रव्य भूत औषध में किसी द्रव्य का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे उपवास, विश्राम, सोना, जागना, टहलना और व्यायाम। वहीं द्रव्य भूत औषध धातुओं और कुदरती जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। प्रकृति में तमाम जड़ी बूटियों का भंडार है, जिनमें से करीब 12,000 पौधे, फूल, फल, पेड़, जड़, छाल और बीज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रकृति के इस अनमोल भंडार का अल्प प्रयोग औसत के तौर पर हो रहा है। अनेक जड़ी बूटियों पर शोध चल रहा है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इस काम में लगे हुए हैं। विश्व स्तरीय औषधि का निर्माण देश भर में फैली हजारों दवा कंपनियों में किया जा रहा है। इनके मानकों और गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का परचम लहराने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। क्या कभी हिंदुस्तान ने सोचा कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास करते हैं? क्यों ना हमारी एफिलिएटेड आयुर्वेद कॉलेजेस अन्य देशों में क्यों ना हो, मॉरिशस में आयुर्वेद कॉलेज क्यों ना हो, अफ्रीका में जहां पर हमारी आज भी, आप वेस्ट इंडीज कंट्रीज में जाइए, आज भी हमारी परंपराओं से जीने वाले लोग हैं। यानी उनको नए सिरे से समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कभी ग्लोबली आयुर्वेद को विश्व समूह के सामने ले जाया जा सकता है, विश्व समूह को इसी एक छत्र के नीचे लाया जा सकता है, भले शुरुआत 12-15-20 देशों से होगी। माननीय प्रधानमंत्री का इस पुरातन चिकित्सा पद्धति पर पूरा भरोसा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष विभाग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास में अहम योगदान किया है। भारत सरकार ने आयुष सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी है। विभाग आयुर्वेद के शैक्षिक विस्तार, औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, अनुसंधान और विकास के साथ ही इसके बारे में जागरूकता फैलाने में प्रयासरत है। I'm Satomi from Japan. I'm a first batch student of this college, and I'm learning Ayurveda because in Japan there's a few doctors of Ayurveda, so I want to be a practitioner. आयुष बेहतर गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी की दवाएं उपलब्ध करा रहा है। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाने की घोषणा की है, जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार नई दिल्ली में निर्माणाधीन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के खुलने वाले हर संस्थान में आयुष की शाखा खोली जाएगी। उन्नत शिक्षण संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी से आयुर्वेदिक शिक्षा में सुधार होगा। आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि से ये सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आयुर्वेदिक दवा प्रणालियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल मुहैया कराए जाएंगे। बांग्लादेश के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हो चुका है। 3 अन्य सार्क देशों, श्रीलंका, नेपाल और भूटान सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड व अन्य कई देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कदम बढ़ चुके हैं। सेहत और औषधि विज्ञान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ये देश के शहरी और ग्रामीण परिवारों में आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली सर्वसुलभ और कम खर्च वाली चिकित्सा पद्धति है। पूरी दुनिया सहित पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप
और अमेरिका ने इसके महत्व को समझा है। यहां आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। आयुर अस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्विंदति त्य आयुर्वेदा। चरक संहिता के अनुसार जिसके द्वारा जीवन का ज्ञान प्राप्त हो उसे कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद को भी उसी तरह से देश के अंदर विकसित करना आवश्यक है जिस प्रकार से एलोपैथी का विकास हुआ है। अगर सभी के लिए हेल्थ फॉर ऑल के नारे को सफल करके दिखाना है तो सारे दुनिया में सारे देश में एलोपैथी के डॉक्टरों को मिलकर आयुर्वेद के डॉक्टरों के साथ, सिद्धा और यूनानी के डॉक्टरों के साथ, नेचुरोपैथी और योग के डॉक्टरों के साथ, सबके साथ मिलकर आपसी समन्वय के साथ एक ऐसा होलिस्टिक मेडिसिन का मॉडल विकसित करना है जो इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी के लिए भी सुलभ ढंग से उपलब्ध हो, उसकी बीमारियों को दूर कर सके। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर एक आयुष मिशन की स्थापना की है। हमारा आयुष मिशन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आयुर्वेद को हम देश के हर कोने तक ले जाएं और उसका इतना विकास करें कि सारी दुनिया के लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हों और आयुर्वेद की जो सीमा है वो भारत से बहुत दूर दूर दराज के देशों तक आयुर्वेद पॉपुलर हो, वहाँ पर पहुँचे।